नमस्कार दोस्तों, निर्वस्त्र स्नान करने वाले एक बार इसे ध्यान से सुने। शास्त्रों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत स्नान करने के बाद ही करनी चाहिए। बच्चे, बीमार और बुजुर्गों को छोड़कर हर व्यक्ति को सुबह स्नान करना ज़रूरी होता है। क्यों है सुबह का स्नान ज़रूरी? मान्यता है जब व्यक्ति सो जाता है तो वह मृत के समान हो जाता है। अतः जब तक आप स्नान नहीं करते तब तक शरीर की शुद्धि नहीं होती। इसलिए कहा जाता है बिना स्नान करे सुबह भोजन करना हिंदू शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। कहा जाता है बिना स्नान किए अगर आप किसी को दान करते हैं तो ऐसे दान को राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। उस दान का पुण्य आपको नहीं मिलता। परंतु स्नान के कुछ नियम हैं जिनका पालन बहुत ज़रूरी है। जैसे स्नान सुबह के समय करना ही उचित माना जाता है। स्नान करते समय शरीर पर कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए। जो लोग निर्वस्त्र स्नान करते हैं उनके साथ क्या होता है एक बार ध्यान से सुनिए। नंबर एक, शास्त्रों के अनुसार निर्वस्त्र स्नान करने वालों का बल, विद्या, बुद्धि, यश और आयु पांचों चीज़ें घटती हैं। नंबर दो, घर में या किसी जलाशय में जब भी आप स्नान करें, अगर आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। नंबर तीन, माना जाता है हमारे पितृ हमारे आसपास ही रहते हैं और ईश्वर का वास तो हर जगह ही होता है, इसलिए निर्वस्त्र होकर स्नान करने से उनका अपमान होता है। श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र इसलिए ही चुराए थे ताकि उन्हें इस बात का ज्ञान करा सकें कि निर्वस्त्र स्नान करना पाप होता है और हर व्यक्ति को वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।